मेरे हिंदुस्तान के बहन और भाइयों, देवी और सज्जनों, आपको ये सुन के फख्र होगा कि हमारे हिंदुस्तान में महापुरुषों की कमी नहीं है। सुभाष चंद्र बोस हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, भगत सिंह हुए, झांसी की रानी हुई, मंगल पांडे हुए, असंख्य ऐसे देशभक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन को बलिदान कर दिया और देश की गौरव गरिमा और हमारी आपकी स्वतंत्रता के लिए सब कुछ कुर्बानी कर दिया। आधुनिक युग में उनके पदचिन्हों पर चलने वाले असंख्य ऐसे महापुरुष हैं, जिसमें परम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी हैं, अमित शाह जी हैं, और उनके एक और परम प्रिय उस समूह के एक नेता है जिनका नाम है योगी आदित्यनाथ। ये सरदार पटेल जैसे एक गौरवशाली, प्रतिभाशाली, उद्यमी, मनोरथी, कर्तव्य परायण, निष्ठा में अश्रु श्वेत रक्त से लथपथ देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित कर दिया है, और ये कभी भी निर्णय लेने में हिचकते नहीं। आपने देखा है कि आंदोलनकारी किसान जो चाइना और पाकिस्तान के मुखौटे बन के देश को बर्बाद कर रहे थे, 26 जनवरी को इन्होंने हमारी प्राचीन सभ्यता संस्कृति, हमारे तिरंगों को इन्होंने अपमानित किया, हिंसा फैलाई, ऐसे ही कुछ काम कर रहे थे यूपी के बॉर्डर पर, नेशनल हाईवे को कब्जा करके रखा हुआ था बागपत में। और आप अगर सुने होंगे तो ये जान लीजिए, इन्होंने आधी रात में उन सबों को सम्मान के साथ बढ़िया बिस्तर बंद करके सबों को गाड़ी में बैठा के उनके घर पहुंचा दिए। अरे भाई, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन, अनुशासन। प्रजातंत्र राजतंत्र नहीं है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं होता है, लेकिन कानून कायदे अगर लागू करने हैं तो प्रजातंत्र हो या राजतंत्र हो या कम्युनिस्ट कंट्री हो, क्योंकि कानून देशवासियों के हित में होता है। वो कुछ चंद गुंडे, लुच्चे, लफंगे, बदमाशों के लिए नहीं होता है, वो तो कैंसर है देश के लिए। तो मैं बधाई देता हूँ नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने परम माननीय अमित शाह के सलाह पर हमारे दोस्त योगी आदित्यनाथ को वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया, और उन्होंने एक से एक ऐसे मिसाल दिए हैं कि देश सर्वोपरि है, राष्ट्र ही सर्वोपरि है, राष्ट्र की जनसंख्या जिन्होंने उन्हें सम्मानित किया, इतने अच्छे वोटों से जिताया, उसके लिए वो समर्पित है। और चंद गुंडों, लुच्चों, लफंगों, बदमाशों जो यूपी में गुंडा राज कर रहे थे, लुटियन गैंग्स के थे, टुकड़े टुकड़े गैंग के थे, भारत विरोधी थे, सबों को ठिकाने लगा दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी, मुबारक हो। अरे हम रहे न रहे, देश रहे, और हम क्यों नहीं रहे? हम लोगों के लिए जी रहे हैं, देश के लिए जी रहे हैं। हमारे पास सेना है, हमारे पास चैत्र है, हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है। हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा? रहेगा चोर, गुंडा, लफा, लफंगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। बधाई हो योगी आदित्यनाथ और मोदी जी, ये जूनियर है आपसे, थोड़ा सा छाती ठोक के 56 इंच का सीना दिखाओ। अरे जियो तो देश के लिए, जियो तो देशवासियों के लिए, लेकिन इन गद्दारों को, देशद्रोहियों को बकसना नहीं चाहिए। बकसना कृष्ण कह के गया यार, कब तक सिखाऊं मोदी साहब? कई बार आपको मैं भेजा हूं ये संवाद, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मा सृजाम्यहम पत्राणाच साधूनां विनाशाय दुष्कृता धर्म संस्थाप्य संभवामि युग युगे। मोदी जी गीता पढ़ते हो, योगी आदित्यनाथ गीता पढ़ते हैं और ऐसा आचरण करते हैं, आप पूरे दुनिया में गीता की एक पुस्तिका भेज रहे हो कॉपी। अरे यार, कृष्ण से सीख लो। हमारे वाजपेयी जी बोल के गए थे, सत्ता आती है जाती है, लेकिन हम एक संस्कार से देश की सेवा करते हैं। सत्ता के लोभी नहीं है, सत्ता के लोभी नहीं है। और याद रख नरेंद्र मोदी भाई, सत्ता तो हमारे लिए बना है, सत्ता तो तुम्हारे लिए बना है, क्योंकि हम खुद के लिए नहीं जीते, देश के लिए जीते रहे, देश के लोगों के लिए जीते रहे। हम सत्ता कैसे छोड़ देंगे? ये लुटेरे लूट लेंगे देश को, हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे।
देश नहीं लूटने दूंगा। भारत तेरी मिट्टी की सौगंध, तेरा माल नहीं मिटने दूंगा, तेरा सर नहीं झुकने दूंगा। हम देशभक्त हैं, देशवासियों की सेवा के लिए। हम फकीर हैं, हम मजदूर हैं, हम अपने लिए नहीं देशवासियों के लिए, देश के लिए जीते हैं। धन्यवाद।